फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स प्रेजेंटेड बाय आशा शर्मा। आज हम इस वीडियो में एएसएमआर, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, आज हम इससे मिसलिनियस कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें वर्ब की फॉर्म को सेट करना है। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं ये पर्संस। जब भी हम कोई भी ग्रामेटिक वर्क करते हैं, स्पेशली जो हम टेंस बनाते हैं, तो वहां पे क्या है, हम पर्सन बेस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ना पर्संस के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कौन सी पर्सन में आता है। ठीक है, तो देखिए मैंने छोटा सा एक चार्ट भी बनाया है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नाउन आई होता है, प्लूरल नाउन वी होता है। आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन में आते हैं, लेकिन आई आता है वन के लिए, वी आता है मैनी के लिए। क्लियर है ना? सेकंड आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नाउन यू होता है, प्लूरल नाउन योर होता है, सेम वन एंड मोर देन वन। ओके, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम में किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी एनिमल्स नेम का, या किसी भी चीज का नाम, हम उसके नाम से उसको डेडिकेट करते हैं। तो ये सब हमारा आता है सिंगुलर नाउन कैटेगरी में, और दे, दीज, दोज, ये सब आते हैं हमारे प्लूरल नाउन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। इसलिए हमें पार्ट्स वाइज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पता होना बहुत जरूरी है अगर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। क्लियर? अब हम करते हैं इज एम आर सी मिसलिनियस सेंटेंसेस सॉल्व। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स बेस पे हैं और इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि इस एम आर का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी ही यूज करेंगे, बट चेंज क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। बस हमें इतना ही कंफर्म होना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना है, क्योंकि चाहे हम इज यूज करें, चाहे एम यूज करें, चाहे आर यूज करें, हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होती है बट वर्ब की फॉर्म हमारी चेंज नहीं होती है। चलिए तो हम ये सेंटेंसेस करते हैं। फर्स्ट देखिए, ही डैश ऑन द बेड, हमें ब्रैकेट में दिया है स्लिप। तो आप बोलोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होती है, तो हम इसको स्लिप से कर देंगे, स्लीपिंग। लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट वन है। और आपको मैंने बताया था जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम इस का यूज करते हैं। ये देखिए वन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और ये मैन के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट वन है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज क्या करेंगे, इज, बाकी स्लिप में आई एन जी लगा के स्लीपिंग। तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, He is sleeping. He is sleeping on the bed. वह बेड पे सो रहा है और अपनी बात को खत्म करता है हिंदी वर्जन पे रहा है। सो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सो वह बेड पे सो रहा है। सेकंड देखिए, दे डैश इन द गार्डन, बैक इन द प्ले, दे है यानी कि वे सब, बहुत सारे हैं। और जब हमारे सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, मैनी में होते हैं, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं आर, और प्ले का हम कर देंगे प्लेइंग। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वे गार्डन में खेल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोहन डैश फॉर हर सिस्टर, ब्रैकेट देखिए वेट लिखा हुआ है, तो मोहन अपनी सिस्टर का वेट कर रहा है। तो मोहन क्या है हमारे यहाँ पर, सब्जेक्ट एक है, और एक के लिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी इज होता है, और वेट को हम शिफ्ट कर देंगे waiting. So Mohan is waiting for her sister. This sentence is complete. Okay. Neha dash some question. Neha ask है, यानी कि वो पूछ रही है। तो Neha भी ये जो हमारा subject है singular noun में है, और singular noun के लिए हम लोग use करते हैं helping verb is को, ठीक है। और हमारा जब subject plural noun में होता है तो हम use करते हैं are को। Singular मतलब एक, plural मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो नेहा है सिर्फ एक सिंगल एक गर्ल है, तो शी इज एक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, शी, नेहा इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, नेहा कुछ क्वेश्चंस, सवाल पूछ रही है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माय वर्क, डू,
आई आ गया, ये तो बहुत इजी है। आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, ना तो इज आता है ना ही आर आता है। इज एक के लिए आता है, आर मैनी के लिए आता है, बट आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, आई एम, डू का कर देंगे हम डूइंग। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वी डैश आवर लंच शेयर, वी यानी कि हम सब, बहुत सारे, और बहुत सारे के लिए हम यूज करते हैं आर। वी आर शेयरिंग आवर लंच, हम अपना लंच शेयर कर रहे हैं। दीज पीपल डैश हेयर कमिंग, ये तो कम्प्लीटली में मिल गया है, कमिंग हमें कम में आई एनजी नहीं करना पड़ा। सो दीज पीपल क्या है, बहुत सारे लोग, दीज पीपल मतलब ये लोग। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन में है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम आर का यूज करेंगे। दीज पीपल आर कमिंग हेयर, कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं। लास्ट आता है टीचर्स डैश इन द क्लास टीच, यहाँ पे टीचर्स है, प्लीज ये अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे टीचर नहीं लिखा है, टीचर्स लिखा है। अगर टीचर होता तो हमारा सिंगुलर नाउन होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते, बट हेयर इज अवर सब्जेक्ट इज अ प्लूरल फॉर्म, दैट्स व्हाई इज अ टीचर। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। सो वी विल राइट आर हेयर, टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रही है। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम बोलते हैं कि नेगेटिव फॉर्म में करो, तो क्या ना क्या है, सिर्फ स्लीपिंग के पास ही इज नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट, ओके, मोहन इज नॉट, नेहा इज नॉट। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बना देंगे। और यही सेंटेंस अगर हमसे बोला जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, इज को सब्जेक्ट से पहले, इज ही स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या वो बेड पे सो रहे हैं, आर दे प्लेइंग इन द गार्डन, क्या वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो हम जब क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ओके। और अगर हम सिंपल अफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, और नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस नॉट लगा देते हैं। तो हम एक ही सेंटेंस को तीनों ही कैटेगरी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। तो ये थे आपको सेंटेंसेस जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, समझाया है, प्रोसेस बताया है कि सब्जेक्ट वन के लिए इज, सब्जेक्ट मैनी के लिए आर, और आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज इस एम आर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। और आपको अगर आज के वीडियो अच्छे लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे।